हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्नविद दीदीमन। इस वीडियो में हम एक और बड़ी शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं। कहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई है, कितनी पोस्ट के लिए है, कौन कौन इसे फिल कर सकता है, सारी बात हम करने वाले हैं। यहाँ पर कुल 1241 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो बालिका विद्यालय है, यहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई है। आप सभी को पता है कि पूरे देश में 786 के लगभग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। ये जो विद्यालय होते हैं, जो कि जो गर्ल्स होती हैं, मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं होती हैं, उनको 12वीं तक बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा मिल सके, तो उनके लिए खोले जाते हैं। और साथ में यहाँ पर हॉस्टल भी रहता है, फ्री में जो है खाना, रहना, यूनिफॉर्म, और फ्री में सरकार की तरफ से बुक्स भी इनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ पर जो टीचर्स रखे जाते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल है, तो वहीं पर टीचर्स को रहना भी पड़ता है। तो कितनी वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली गई हैं, किस किस पोस्ट की निकाली गई हैं, क्या जो है यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज क्या रहेगी, सारी बात हम करेंगे। तो कितनी जो है वैकेंसी आउट हुई हैं, टोटल 1218 वैकेंसी आउट हुई हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की, तो पीजी लेवल के जितने भी आपको सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, नर्सिंग, तेलुगु, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बायो साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं सीआरटी लेवल पर जो है सोशल स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भी 77 पोस्ट हैं। यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर की 38 पोस्ट हैं। पीजी सीआरटी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन कैजुअल रिलीफ टीचर, ठीक है। तो जितनी भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, तो यहाँ लिखा गया है ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, केवल जो यहाँ पर महिलाएं हैं वही यहाँ पर एलिजिबल रहती हैं। क्योंकि आपको पता है, आपको मैंने पहले इसकी क्वालिटी बताई कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं के लिए है विशेष तौर पर, तो यहाँ पर डिमांड जो है वह फीमेल टीचर की ही की जाती है, ठीक है। साथ में जो सिलेबस है वह भी नोटिफिकेशन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा नोटिफिकेशन है, जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया सभी का नोटिफिकेशन यहाँ पर है। अब 1x1 तो मैं आप लोगों को पढ़कर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि 189 पेजेस का है ये पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग अपना जो है सिलेबस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 120 मिनट का होगा क्वेश्चन पेपर आपका। इसमें देखिए मोटे तौर पर अगर हम बात करें, जनरल स्टडीज के 15 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी इंग्लिश की, ठीक है। ग्रामर पूछी जाएगी इसमें थोड़ी सी, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, शिक्षा का जो है वो क्या उद्देश्य है, इस टाइप के जो है 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपने बीएड किया है तो आप इन चीज़ों को जानते ही हैं। कंटेंट जो, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो कितने क्वेश्चन होंगे, 40, यानी अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 40 प्रश्न जो है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित तो होंगे। और आपके जो है इसके लिए 9th-10th की जो है वो बुक और इंटरमीडिएट की जो बुक है, यहीं से जो है वो आपका सिलेबस तैयार हुआ है, यानी इन्हीं बुक्स को जो है वो आपको पढ़ना है 9th-12th तक, ठीक है। उसके बाद देखिए पेडोगोजी से जो प्रश्न है, पेडोगोजी के जो प्रश्न हैं आपके, वह भी पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से संबंधित, यानी इंग्लिश है आपका तो इंग्लिश के पूछे जाएंगे, हिंदी है तो हिंदी के पेडोगोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपने बीएड में किया ही हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है फिर आप देख सकते हैं इंग्लिश में जो है वो जनरल के जो है वो 15 क्वेश्चन, एजुकेशन जो है शिक्षा के क्षेत्र के जो है वो 15 क्वेश्चन, कंटेंट के जो है वो 50 क्वेश्चन, पेडोगोजी के 20 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे, 120 मिनट रहेगा। तो वैकेंसी जो है वो कहाँ से आउट हुई है, तो आप देख लें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ जो है वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए और अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, ठीक है, आवासीय विद्यालय है यहाँ पर। नोटिफिकेशन जो है वो 16 जून को जो है आया था, और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 26/6/2023 से और 5/7/2023 तक चलेंगे, ठीक है। एग्जाम भी जो है वो आपका ये फटाफट से हो जाता है, जुलाई के मंथ में ही जो है वो आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी में, अगर हम एज की बात करें, तो देखिए 44 साल तक जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर कहा गया है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी फ़ायदा मिलता है, एससी, एसटी, बीसी, ठीक है, इनको 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस है, 3 साल का जो है वो एक्स सर्विसमैन को मिलता है, और 10 साल का जो है पीएचपी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को यहाँ पर मिलता है, यानी सभी लोग, मैक्सिमम सभी लोग ही अप्लाई कर ही सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि छूट देखिए वह भी मिल रही है
4 ईयर जो है यहाँ रहती ही है ज़्यादातर जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि फीमेल कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं किस किस पोस्ट के लिए, तो स्पेशल ऑफिसर्स के लिए CRT, PET और PG CRT के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी। और जो स्टूडेंट हैं जैसे कि जो बॉयज़ हैं वह भी एलिजिबल हैं, तो वह किस पोस्ट के लिए हैं, तो ये स्पेशल ऑफिसर और CRT, ठीक है, और जो अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बॉयज़ भी, गर्ल्स भी कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहाँ केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है ऑथेंटिक साइट पर लेकर चलती हूँ। तो ये जो है ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ क्लिक हेयर फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट एंड एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ KGVP और URS। तो यहाँ पर दो स्कूलों की बात की गई है, एक तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है आवासीय विद्यालय उसकी बात हो गई है, और यहाँ पर अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल, दो की बात हो गई है। मैंने आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी में केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगी, ठीक है, और URS यानी कि अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल में यहाँ पर सभी यानी बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही जो है यहाँ पर स्टाफ लिए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, ये नहीं सोचना है, कम से कम जो है वो आपका मिनिमम 2 साल तो आपका रहता ही है यहाँ पर, आप लोग रहेंगे ही, और साथ में जो है आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए भी आपको यहाँ पर जो है टीचिंग का यहाँ मिल सकता है फ़ायदा, ठीक है। जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर रख लेते हैं, यानी आपके सब्जेक्ट की आपको जो है बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी तो ये आपको जो है वो हटाएंगे नहीं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप जो सबसे ऊपर जो दिया हुआ है क्लिक हेयर, यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस पेमेंट, या एप्लीकेशन करेंगे तो फीस पेमेंट के लिए आप ये ऑप्शन रहेगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो आपको जो अपने पेमेंट के स्टेटस के बारे में जानकारी के लिए जो आप यहाँ पर फिल करेंगे, फिर जो है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया है उसका प्रिंट आउट यहाँ पर निकालेंगे। फीस जो है वो क्या रहेगी, तो फीस जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 600 रुपये है, और लास्ट डेट जो है वो 5/7/2023 है, यानी 5 जुलाई है, ठीक है। जुलाई के मंथ में ही जो है वो आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं बोलते हैं कि हमें जो है साइट का पता ही नहीं चलता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियो में दे दिया करूँगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक भी डाल दिया करूँगी, ताकि आप लोग हर तरीके से जो है उस पर सारी चीज़ें जान सकें। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्कूल के बारे में सारी जानकारी दी, इसके साथ में जो है मैंने आपको ये भी बताया किस तरीके से आप साइट पर जाकर फॉर्म फिल करोगे, सिलेबस जो है वह भी मैंने आपको दिखा दिया है, अपने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिटेल में आप लोग जो है ज़रूर साइट पर जाकर चेक करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।